कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मृतक की पत्नी को नौकरी व परिवार को आवास दिलाने की मांग की गई है। 29 वर्षीय अमित दुबे को छुरा मारकर हत्या कर दिया गया। दूसरे दिन वार्ड के लोगों ने कोतवाली थाने में शव को रखकर चक्का जाम किया। आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की गई। आश्वासन पर उन्होंने चक्का जाम खत्म कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद भी आरोपी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम प्रशासन का अमला इस कार्रवाई से पीछे हटता दिख रहा है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज के लोग चकरा घाट पर जमा हुए, जहां से वे मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लोगों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रदीप दुबे, शिवसेना नेता पप्पू तिवारी, प्रकाश दुबे, दीपक दुबे, इन लोगों ने कहा कि मृतका का परिवार गरीब है, परिवार को रहने का स्वयं का मकान नहीं है, ऐसे में परिवार को आवास योजना का लाभ दिलाया जाए, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही हत्या के आरोपी के मकान तोड़े जाए। यदि प्रशासन 7 दिन में मांगे पूरी नहीं करता तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। श्रीमान जी, हम बहुत गरीब आदमी, हमारे लिए मकान नहीं है न कुछ, और इस प्रकार का हादसा हो गया है, और हम शासन से यही मांग करते हैं कि उनको उग्र से उग्र सजा दी जाए और हमारी बहू को कोई सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके और रहने के लिए तत्काल मकान की वो व्यवस्था की जाए, जहां हम शासन से मांग करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम उग्र आंदोलन करेंगे श्रीमान जी, 28 तारीख को ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज का जो आंदोलन उग्र होगा ब्राह्मण समाज का, वो आप देखेंगे और इतिहास लिखेंगे श्रीमान जी। चकरा घाट पर जहां मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहां पर अमित दुबे जी का मर्डर हो गया। कोतवाली से महज 50 फुट की दूरी पर पुलिस विभाग पर सवाल ये निशान है कि थाने के सामने अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए तो सागरवासी कहाँ सेफ है, कहाँ सुरक्षित हैं। उसी उद्देश्य को लेकर आरोपियों का मकान गिराने के लिए ब्राह्मण समाज ने आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और 7 दिन का टाइम दिया है। अगर प्रशासन आरोपियों का मकान नहीं गिराती तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करने के लिए विवश रहेगी, और शासन इस बात को जानती है कि जब जब ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करते हैं तो सेमरा लहरिया जैसा इतिहास बना देते हैं। इसलिए शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आरोपियों का मकान गिराया जाए, पीड़ित बच्ची जो निर्धन है अमित की मिसेज, उसके लिए एक शासकीय नौकरी दी जाए, और पीड़ितों के पास मकान भी रहने के लिए नहीं है तो शासन की किसी योजना में उन्हें मकान दिया जाए। मध्य प्रदेश के सागर से मनोज मेहरा की रिपोर्ट, ING 365।